वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 100वें स्थान पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, जारी रखेंगे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। राहुल गांधी का एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला। ट्वीट कर कहा, सबको मालूम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हकीकत, लेकिन खुद को खुश रखने के लिए डॉक्टर जेटली ये ख्याल अच्छा है। 3 दिन के गुजरात दौरे पर राहुल गांधी जीएसटी को लेकर व्यापारियों से मिलेंगे। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज और मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया। गुजरात में हार्दिक पटेल के बाद दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस के सामने शर्त रखी, कहा दलितों पर अपना रुख साफ करे कांग्रेस। आम जनता पर फिर महंगाई की मार, तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया। बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर में 94 और सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर में 4.56 रुपए की बढ़ोतरी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को बधाई दी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में लोगों को ट्रक से कुचला, 8 की मौत, 11 लोग घायल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आईएसआईएस को यहां घुसने नहीं देंगे। और दिल्ली में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच। नेहरा को यादगार विदाई देने और न्यूजीलैंड पर पहली जीत के लिए उतरेगी टीम इंडिया।